साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। आप जुड़े हो मेरे इस चैनल से। साथियों, ये रिको सेकंड फेज जो रामनगर है, रिको पुलिस थाना के जस्ट पीछे, वहां की तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं। साथियों ये देख लो साथियों, डिस्कॉम के अधिकारी और कर्मचारी हादसे का इंतजार कर रहे हैं। ये पिछले लंबे समय से ये विद्युत का पोल है, एक और भी पड़ा जो एक सिर्फ एक विद्युत के पोल के सहारे से खड़ा है और ऊपर से पूरा जर्जर हो गया है। अब ये साथियों, कभी भी ये पोल गिर सकता है और बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बजरी के सबसे ज्यादा ट्रक खड़े रहते हैं। बजरी के ट्रक ने यहाँ टक्कर मार के इस पोल को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद अब डिस्कॉम के अधिकारी हादसे का कर रहे हैं इंतजार। तो ये तस्वीरें अभी आप देख रहे हो, मैं आपको ये पूरी विद्युत पोल की तस्वीरें दिखा रहा हूँ, एक बार आप देख लो। सही लगे तो इस पोस्ट को शेयर कर दो, ताकि ये पोस्ट डिस्कॉम के अधिकारियों तक पहुँच सके और ये जल्दी से जल्दी कार्रवाई कर इस विद्युत के पोल को बदले। और भी आपको मैं ऐसे पोल दिखा रहा हूँ साथियों। ये साथियों दूसरा विद्युत पोल है, ये धरती के अंदर जो डाला हुआ है वहाँ जर्जर हो गया है, पूरा टूट गया है। अब इसकी ऊपर से आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। पहले एक बार नीचे से यहाँ से तस्वीरें देख लो, इसके बाद अब आपको मैं इसकी पूरी तस्वीरें दिखा रहा हूँ साथियों। अब ये राम भरोसे खड़ा है, भगवान के भरोसे, एक केबल के सहारे खड़ा है। ये देख लो साथियों, ये विद्युत पोल केबल के सहारे खड़ा है। इसका भी इंतजार हो रहा है हादसे का, ये कब गिरे, कब हादसा हो, उसके बाद डिस्कॉम के कर्मचारी और अधिकारी अब भागते हुए यहाँ आएंगे कि क्या हो गया है। ये देख लो, एक केबल है, केबल के सहारे ये विद्युत पोल खड़ा है। ये देख लो, अब भगवान जाने ये कब सुध लेंगे। ये आराम से बैठे हैं, अब गर्मी भी आ गई है, अब एसी वाला कमरा छोड़ने वाले नहीं है, नहीं ये कार्रवाई होने वाली है। यहाँ जो यहाँ के निवासी है लोग, उन्होंने करीबन 8 से 10 बार कंप्लेंट भी दे दी है, मगर इनकी किसी ने नहीं सुनी। और पिछले 3 माह से ये विद्युत पोल ऐसे ही पड़ा है भगवान के भरोसे। चलो अब इनसे बात करते हैं, यहाँ खड़े लोगों से। क्या नाम है? मुलाराम नाम है। मुलाराम जी, मुलाराम जी, ये विद्युत पोल कदे टूट रहा है? 3 महीने हो गए हैं सर, ये सामने वाली दुकान मेरी है। हाँ। और इसके ऊपर क्या है, ये खंभा टूटा, इसकी मैं एप्लीकेशन 3 बार दे करके आ गया हूँ। हाँ। और इन विद्युत विभाग वालों ने क्या है, मेरे यहाँ पर कनेक्शन किया था लॉकडाउन से पहले, सिर्फ 125 यूनिट मेरे यहाँ बिजली खर्च हुई, जिसके मैं 15,000 रुपए तो भर चुका हूँ, और उसके बाद लगातार बिल आ रहा है। और लॉकडाउन के अंदर ये 2020 में वो कनेक्शन टूटा हुआ, आज भी खुला हुआ पड़ा है, और ये सारे मीटर यहाँ चेंज। ये विद्युत पोल कितने ऐसे टूटे हुए? ऐसे सारी लगभग सबकी स्थिति, यहाँ पर बजरी की गाड़ियां खड़ी रहती थी सर, हम तो एप्लीकेशन दे करके परेशान हो गए। हाँ। फिर वो कितनी अज्ञात ट्रकों ने यहाँ धक्का मार दिया। अब कहते हैं कि किस गाड़ी ने, उस गाड़ी के नंबर लो के हम कार्रवाई करते हैं उसके विरुद्ध, नहीं तो ठेकेदार है नहीं आएगा तब बता देंगे। ये करके कितने समय से ये लगभग 3-3.5 महीने हो गए सर इसको। तो हादसा नहीं हो सकता है? वो तो सर ऐसा तो हो सकता है ना, इसीलिए तो हमने जाकर के किया है, अभी तक बहुत इंतजार किया, लेकिन कोई कार्य कोई सुनवाई हो ही नहीं रही है। अरे कोई नहीं हो रही, सही इनसे मिले, जिन से मिले या चले गए, तो ठेकेदार यहाँ है नहीं कि ठेकेदार आएगा, उस समय हम बात कर देंगे। मीना जी बैठे हैं, एप्लीकेशन उनको 10 बार लेकर के दे दिए, कोई कार्यवाही करते नहीं। ये कौन सा इलाका है? ये रिको सेकंड फेज है, पुलिस रिको चौकी थाने के पीछे। ठीक है, चलो धन्यवाद। साथियों एक बार इस पोस्ट को शेयर कर दो, ताकि ये पोस्ट अधिकारियों तक पहुंचे। धन्यवाद है डिस्कॉम के अधिकारियों को, जो हादसे का इंतजार कर रहे हैं, कब हादसा हो फिर हम मौके पे जाए विद्युत पोल बदलने के लिए। एक सेकंड।